हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि रानी स्केच बुक। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। जो आज की वीडियो में मैंने बनाई है वो आपके डाउट क्लियर करने के लिए बनाई है, क्योंकि जो मैं आर्ट वर्क करती हूँ, जो मैं वीडियोस डालती हूँ आर्ट की, फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आपके कॉमेंट्स यही होते हैं कि मैं कौन सी पेंसिल यूज़ करती हूँ। इसीलिए मैंने आपके डाउट क्लियर करने के लिए आज की जो वीडियो बनाई है वो पेंसिल के ऊपर ही बनाई है। हमें कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, जब हम बिगनर्स होते हैं जब कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, और मैं कौन सी पेंसिल यूज़ करती हूँ, कौन से ब्रांड की यूज़ करती हूँ, और आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए। जब हम शेडिंग करते हैं, लाइट टू डार्क करते हैं, और ड्राइंग में हमें फिनिशिंग देने के लिए और डार्कनेस के लिए, हर चीज़ के लिए जो भी मतलब जो पेंसिल मैं यूज़ करती हूँ, मैंने आज की वीडियो में मैंने सब क्लियर किया है, आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए फिर देखते हैं हमें कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। फ्रेंड्स, शेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेंसिल के बारे में बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ अपने सभी आर्ट वर्क में, चाहे वो रियलिस्टिक वर्क हो, चाहे वो कमीशन वर्क हो, मतलब कोई भी आर्ट वर्क हो, मैं जो यूज़ करती हूँ पेंसिल मैं आपको वही दिखाऊंगी। ये है मेरी स्केचिंग पेंसिल्स जिनसे मैं शेड करती हूँ, सभी आर्ट वर्क करती हूँ, रियलिस्टिक वर्क बनाती हूँ। फ्रेंड्स, इन्हीं को ही यूज़ करती हूँ मैं, और मैं इन पेंसिलों के बारे में सबसे पहले आपको बताती हूँ, आर्ट लाइन की पेंसिल के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इन्हीं से ही की थी और ये मेरी फेवरेट है, मैं अभी तक इनको यूज़ करती हूँ। और इसमें कुछ 6 शेड होते हैं, HB से स्टार्ट होते हैं और 10B तक होते हैं, और ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। इनकी तो हो गई बात। अब मैं बियानो की पेंसिल के बारे में बताती हूँ। इनके बाद मैंने ये बियानो की पेंसिल यूज़ की हैं, इसमें 12 शेड होते हैं और 3H से स्टार्ट होते हैं, 10B तक ख़त्म होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये लाइट टू डार्क होते हैं बस, और जो स्टेडलर की जो पेंसिल है इसमें HB से स्टार्ट होते हैं, 6B तक ख़त्म होते हैं। इसमें कुछ 6 पेंसिल होती हैं, मैं सबसे पहले आपको इनको खोल के दिखाती हूँ। ये है हमारी 12 पेंसिलें जिनसे हम शेडिंग करने वाले हैं आज, और ये है स्टेडलर की पेंसिल। फ्रेंड्स, ये वाली और ये वाली पेंसिल तो मैंने बहुत यूज़ की हैं अपने सभी आर्ट वर्क में, लेकिन जो स्टेडलर की जो पेंसिल है मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है। लेकिन अब जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ, जो पोर्ट्रेट में बना रही हूँ, जिसकी मैंने अभी सीरीज़ डालना स्टार्ट किया है, उस पर मैंने ये स्टेडलर की पेंसिल ही यूज़ की हैं, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं क्योंकि बहुत स्मूथ चलती हैं ये। और ये है चारकोल पेंसिल, इसमें कुछ 3 शेड होते हैं, और मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, मैं इनसे भी शेडिंग करती थी जो कि गलत है, वो भी मैं बताऊंगी आपको आज, जो कि बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं गलतियां करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा महंगा ड्राइंग मटेरियल यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं नॉर्मल ही यूज़ करती हूँ। अभी आपको ये महंगे प्रोडक्ट लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग की है तो, जैसे स्टेडलर हो गई, ये आपको बाद में लेनी चाहिए जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तब। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पहले नॉर्मल पेंसिल से ही करें। मैं सजेस्ट करूँगी आपको आर्ट लाइन की पेंसिल और अप्सरा की पेंसिल। ये मेरे पास कुछ अप्सरा की पेंसिल भी पड़ी हैं, इसमें भी ग्रेड आ जाते हैं 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। ये बहुत ही डार्क चलती हैं और बहुत अच्छी भी चलती हैं फ्रेंड्स, इससे ड्राइंग भी बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ आया होगा कि हमें कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए बिगनर्स लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से सब क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।